अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे पास जो है हेड एंड नेक का जो है वो क्रॉस सेक्शन का स्पेसिमेन है। तो ये अब हम लोग इसमें देखते हैं, हमें जनरल फीचर जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये ऊपर हमें स्कल, सही, स्कल के बाद हमें जो है वो अंदर ये हमारे पास ये वाला जो है, ये है हमारे पास पीरियड सेक्शन साइनस। उसके बाद ये हमारे पास सारा सेरिब्रम है, सही है। उसके बाद ये कॉर्पस कैलोजम है, ये नीचे जो है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम है, ये सेरिबेलम है, सही है। सेरिबेलम से आगे जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, सही है। और हम लोग जो है वो नीचे वाले मेन फीचर्स देखते हैं कि हमें जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हमें साइनसिस नज़र आ रहे हैं बोन्स में, सही है। ये हमारे पास जो साइनस नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस के बिहाइंड ये वाला जो साइनस है, ये है हमारे पास एथमॉइडल साइनस, सही है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास है स्फिनॉइडल साइनस, सही है। फ्रंटल, एथमॉइडल और स्फिनॉइडल साइनस, सही है। अब इस स्फिनॉइडल साइनस बॉडी ऑफ स्फिनॉइड पे है, तो बॉडी ऑफ स्फिनॉइड पे यहाँ पर जो है वो एक डिप्रेशन सा होता है, जिसे हम लोग सेला ट्रेसिका कहते हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, सही है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ में सेला ट्रेसिका जो है वो नज़र आएगा और उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आएगा, सही। उसके बाद अगर इससे नीचे हम लोग नेजल कैविटी में आए, तो ये नेजल कैविटी में हमें कोंकास नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाजिया हमारे पास दो ही कोंकास हैं। ये इन्फीरियर कोंका है और ये हमारे पास मिडल कोंका है। मिडल और इन्फीरियर कोंका के दरमियान में जो है वो हमारे पास मिडल मीएटस, और ये हमारे पास मिडल इन्फीरियर कोंका से नीचे जो है वो हमारे पास इन्फीरियर मीएटस। ये हमें दो मीएटस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमें एक ओपनिंग नज़र आ रही है, ये वाली, सही। इसे हम लोग कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग या फ्रंगो टिम्पैनिक ट्यूब की ओपनिंग। और इसके साथ जो है वो एक एलिवेशन है, जिसे हम लोग ट्यूबल एलिवेशन या फिर टोरिस टूबेरिस कहते हैं। उसके पीछे ये डिप्रेशन है, जिसे हम लोग फ्रेंजियल रिसेस कहते हैं, सही है। और ये हमारे पास वैसे कैविटी कौन सी है, नेजोफेरेंक्स की हमारे पास ये कैविटी। उसके बाद नेजल कैविटी की बेस जो है वो ये हार्ड पैलेट और ये पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट बनाते हैं, सही है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के पीछे ये हमारे पास क्या है, ये ओरोफेरेंक्स है, सही है। अब ओरल कैविटी में हमें ये ऊपर जो है वो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, सही है। ये हमारे पास टीथ हमें नज़र आ रहे हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है ये पीछे हमें दो फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला फोल्ड नज़र आ रहा है और एक हमें ये फोल्ड नज़र आ रहा है, सही है। अगर हम लोग इनको थोड़ा सा जूम करके देख लें तो हमें जो है वो ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा कि जो है ये हमारे पास है प्लेटोग्लोसल फोल्ड, जो पैलेट से जो है वो टंग की तरफ जा रहा है, और एक ये पैलेट से फेरेंजियल वाल की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग प्लेटो फेरेंजियल फोल्ड कहते हैं। इनके दरमियान में यहाँ पर जो है वो टॉन्सिलर फोसा होता है, जहाँ पर पैलेटाइन टॉन्सिल्स पड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टंग के मसल्स हैं, ये हमारे पास एंटीरियरली जो है वो मैंडिबल बोन है। उसके बाद टंग के मसल में यहाँ पर जीनियोग्लोसस, उसके बाद नीचे जो है वो जीनियोहायोइड और सबसे नीचे माइलोहायोइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमें सिर्फ वाजा एक जीनियोग्लोसस मसल नज़र आ रहा है, सही। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो है ना नेसोफेरेंक्स, नेसोफेरेंक्स के पीछे ये वाली जो जगह हमें नज़र आ रही है ना, ये यहाँ से स्ट्रक्चर्स रिमूव्ड है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, एडिनॉइड्स पड़े हुए होते हैं, फिर फ्रेंजियल टॉन्सिल्स पड़े हुए होते हैं इस जगह पर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास पीछे ये वही वर्टिब्राज नज़र आ रहे हैं, तो ये C1 और C2 यहाँ पर होते हैं, C3, C4, C5, C6 और C7। उसके बाद इनके पीछे ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, और ये हमारे पास प्री पोस्ट डीप नेक के मसल्स हैं, सही। ये हमें वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हमारे पास जनरल फीचर्स जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्सटर्नली जो है ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिट है, सुपीरियर पैल्पेब्रा, इन्फीरियर पैल्पेब्रा, सही है। ये हमारे पास सुप्रा सिलरी आर्चेस हैं, सही है, आईब्रोज होती हैं, सही है। ये मीडियल एंगल ऑफ आई है, ये हमारे पास नोज है, नोज की ओपनिंग्स हैं, नोस्ट्रिल्स, सही है। ये हमारे पास अपर लिप और ये हमारे पास लोअर लिप, सही है। ये हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें इस मॉडल स्पेसिमेन में नज़र आ रहे हैं।